हाय एवरीवन, माय नेम इज़ एकता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, माय लाइफ, माय होम, माय स्टाइल। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आ गई हूँ ज्वेलरी हॉल लेके, और वो है मीशो ज्वेलरी हॉल। बहुत टाइम से आपको वेट कराया, सॉरी। और आज फाइनली मैं करूँगी ज्वेलरी हॉल मीशो से। ये फर्स्ट टाइम मेरा ज्वेलरी हॉल होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशंस के लिए, और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम हैंडल है माई लाइफ माई होम माई स्टाइल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीशो से मैंने फ़र्स्ट टाइम ज्वेलरी परचेज़ की, और मैं थोड़ा डर रही थी क्योंकि मैंने रिव्यू सुने कि ज्वेलरीज़ के स्टोन्स नहीं होते, किसी की ज्वेलरी ख़राब आती है, टूटी हुई आती है। तो मैं थोड़ा डर रही थी, तो इसलिए मैंने वन बाय वन करके ज्वेलरी मंगवाई थी, और सारी की सारी ज्वेलरी मेरी इतनी अच्छी आई है। इवन एक छोटा सा स्टोन भी गायब नहीं है उस ज्वेलरी में से, और ना ही कोई पीस डिफेक्टिव है। सारा अच्छे से पैक होके आया था, बबल रैप में होके आया था। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और इतने अफोर्डेबल, इतने रीज़नेबल प्राइजेस पे मुझे ये ज्वेलरी मिली। मुझे मुझे लगता है कि अब मैं ना मीशो के अलावा कहीं से भी ज्वेलरी नहीं परचेज़ कर सकती, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मीशो आप लोगों को पता ही है, एक रीसेलिंग ऐप है जहाँ पे आप रीसेल भी कर सकते हैं, प्लस आप परचेज़ भी कर सकते हैं जो भी आप मन चाहे। रीसेल में आपको थोड़ा सा जो भी अपना मार्जिन होता है वो ऐड करना होता है, अदरवाइज़ अगर आपको अपने लिए परचेज़ करना है तो ज़ीरो मार्जिन के साथ आप परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पीस मैं दिखाने वाली हूँ वो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, सबसे ज़्यादा फेवरेट है, और वो इस तरह के कुछ पैकेजिंग में आए हैं। सारे के सारे जो भी ज्वेलरी सेट आए हैं वो इस तरह के पैकेजिंग आए हैं, तो आप इसी तरह से स्टोर कर सकते हैं। ये प्लास्टिक के बॉक्स हैं, इस तरह से आपको मिल जाते हैं। तो जो ये फर्स्ट ज्वेलरी सेट है, ये ब्रांड भाग्य लक्ष्मी से है, और ये है, ये नेक पीस है, कलरफुल नेक पीस है, गोल्डन कलर में कुछ इस तरह से। आपने मेरे करवा चौथ लुक में देखा होगा, मैंने उसमें इसे वेयर किया था। कितना सुंदर है, देखिए इसके स्टोन विस्टोन कुछ भी नहीं ख़राब हुए हैं। इवन इसका जो कलर है वो भी फेड नहीं है, बिल्कुल बहुत ही सुंदर ये पीस आया। और इसमें इस तरह के छोटे छोटे से स्टोन्स लगे हैं सारे इसमें, और बहुत ही सुंदर है। आप किसी भी ड्रेस के साथ इसे वेयर कर सकते हैं, कलरफुल है तो आप बहुत सारे ड्रेसेस पे ये चल जाएगा, रेड पे चल जाएगा, ब्लैक पे चल जाएगा, ग्रीन पे चल जाएगा, ब्लू पे चल जाएगा, बहुत सारे ड्रेसेस पे ये चल जाएगा। जो ये मेटल है, ये अलॉय मेटल है, और काफ़ी अच्छा है, लाइट वेट है, काफ़ी लाइट वेट है। ऐसा नहीं लगेगा कि आपने नेक में पहना है तो आपको हैवीपन लगेगा। और ट्राई ऑन में देख ही लीजिए कि कितना अच्छा लग रहा है ये वाला पीस। और इसी के साथ साथ आया है इसके इयररिंग्स। इयररिंग्स छोटे छोटे आए हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको। और कुछ इस तरह का ये इयररिंग है इसके साथ, जैसा ये वाला डिज़ाइन है ना इसमें, ये वाला इसी तरह का इसमें ये इयररिंग है। तो ये पूरा सेट मुझे पड़ा है 251 का, जस्ट 250 रुपये में मुझे ये पूरा सेट मिला पड़ा है विथ इयररिंग्स। तो काफ़ी अच्छी डील लगी मुझे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और करवा चौथ पे मैंने, करवा चौथ लुक में मैंने इसे वेयर किया था। आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये वाला पेन। जो सेट हैं वो दो कॉम्बो में आए हैं, दोनों एक साथ आए हैं, कॉम्बो में आए हैं, और इतने सुंदर आए हैं ना ये। मैं सोच रही थी कि कॉम्बो में आएंगे तो थोड़ा बहुत ख़राब होगा, थोड़ा बहुत डिफेक्ट वगैरह आएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने सुंदर आए हैं, और कुछ इस तरह के पैक में आए हैं, और इस तरह से बबल रैप थे। तो फर्स्ट जो सेट है वो है ये है ऑक्सीडाइज सिल्वर ज्वेलरी, ऑक्सीडाइज्ड है, और कुछ इस तरह से ये पीछे टैग छोटा बड़ा करने के लिए है। और ये मेरे आपने उसमें करबा वाले लुक में देखी होगी, नवरात्रि लुक में मैंने इसे वेयर किया था, और कितना सुंदर है। इसका एक भी जो भी स्टोन वगैरह है, ये पर्ल वगैरह, कहीं भी कहीं से भी ये डिफेक्टिव नहीं है, बहुत ही सुंदर है। और पीछे आपको इस तरह का ये ब्लैक थ्रेड मिल जाता है, और यहाँ पे आपको ये छोटा सा मोती मिल जाता है जिसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरह का। तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये भी आपको वाइट ड्रेस पे और वाइट ब्लैक ड्रेस पे काफ़ी सुंदर लगती है ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। और इसी के साथ साथ आपको मिल जाते हैं, और इसमें ना ये जो डिज़ाइन है ये गणेश जी बने हुए हैं इसमें, देख रहे हैं कितना सुंदर नेक पीस है ये। और इसी के साथ साथ आए हैं इसमें दो इस तरह के इयररिंग्स आए हैं, बहुत लाइट वेट हैं। ऐसे देखने में लग रहा होगा आपको कि बहुत हैवी होंगे, लेकिन बहुत लाइट वेट हैं ये, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट हैं, बहुत ही सुंदर है,
काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। तो फर्स्ट पीस तो ये था इस कॉम्बो में। सेकंड पीस है जो आपने बहुत सारी वीडियोस वगैरह में देखा होगा, बहुत लोगों को वेयर करे हुए देखा होगा, बहुत ही ज़्यादा चल रहा है इस टाइम पे वो पीस। और ये है, ये भी ऑक्सीडाइज सिल्वर ज्वेलरी का है और इसमें ये इस तरह के मिरर वर्क है, आपने काफ़ी लोगों को पहने हुए देखा होगा। और ये चोकर सेट, ये भी जो दूसरा मैंने दिखाया था पहला, वो भी चोकर सेट है और ये भी चोकर सेट है। काफ़ी सुंदर है, देख रहे हैं कितना सुंदर है ये। और पीछे इस तरह का आपको ब्लैक थ्रेड मिल जाता है और एक भी जो मिरर है ना इसमें से गायब नहीं है, एक भी मिरर इसमें बेकार नहीं है, सारा बहुत अच्छे से वर्क किया हुआ है, नीटली वर्कड है ये, काफ़ी सुंदर है। तो ये था। और इसी के साथ साथ आपको मिल जाते हैं इसके इयररिंग्स, और इयररिंग्स भी बहुत लाइट वेट हैं, बहुत ज़्यादा लाइट वेट हैं। तो ये वाइट पे, पर्पल पे, मॉव कलर पे, ब्लैक कलर पे भी बहुत अच्छी लगेगी ये ज्वेलरी, और आप वेस्टर्न इंडियन दोनों पे वेयर कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। तो ये जो दोनों पीस है ना, ये दोनों कॉम्बो में आए थे और जस्ट 281 में मुझे दो नेक पीस विद इयररिंग्स मिल गए। 281 में, 300 के भी नहीं है, 281 में मुझे ये सुंदर से दो नेक पीस मिले हैं। बहुत ही अच्छी डील है, बहुत ही अच्छी। आप ट्राई ऑन में देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये। तो जो नेक्स्ट पीस है वो भी सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो मैंने ज़्यादातर वही परचेज़ की है। तो वो है इस तरह के, ये इयररिंग्स हैं और ये इसका नेक पीस है, और मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। और ये नेक पीस बहुत ही सुंदर है, बहुत लाइट वेट है, आप इसे टॉप्स वगैरह पे भी वेयर कर सकते हैं, सूट पे भी, साड़ी पे भी, बहुत ही सुंदर लगेगा। देखिए काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, इस तरह का चेन से, चेन वाला है ये, तो बहुत लाइट वेट है और इस तरह से ये घुंघरू वगैरह लगे हुए हैं इसमें, काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है इसका, बहुत ही सुंदर है ये, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और इसी के साथ आपको इसके इयररिंग्स मिल जाते हैं, और वो हैं ये कुछ इस तरह के इयररिंग्स है, इसमें बहुत लाइट वेट है। जितने भी इयररिंग्स रिसीव हुए ना मुझे, सारे के सारे बहुत लाइट वेट हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत आपको हैवी लगेगा। तो इस तरह के ये इयररिंग्स है इस वाले नेक पीस के साथ, और मैंने अभी ये अभी किसी भी वीडियो में वेयर नहीं किया है, आपको ट्राई ऑन में दिखा दूँगी किस तरह का लग रहा है ये पहन के, इस तरह का ये। तो जो ये वाला सेट है, ये जस्ट मुझे 205 रुपीज़ में मिला है, 200 रुपये का ये पूरा सेट मिल गया है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे मुझे काफ़ी। एक भी इसका घुंघरू वगैरह कहीं भी इधर से उधर नहीं है। मैंने एक और ऑक्सीडाइज सेट परचेज़ किया है और ये बहुत 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 सुंदर है, साड़ीज़ वगैरह के साथ, जो आपकी लाइट वेट साड़ी होती है ना उनके साथ तो बहुत ही अच्छा लगेगा ये। तो ये है कुछ इस तरह का नेक पीस, कॉटन वगैरह की साड़ी, इस पर बहुत सुंदर लगता है इस तरह का नेक पीस, कुछ इस तरह का, बहुत ही अच्छा है। नीचे छोटे छोटे से पर्ल्स लगे हुए हैं इसमें, और इस तरह का चेन है थोड़ी मोटी वाली, और बहुत लाइट है, हल्का है, बहुत हल्का है, ऐसा नहीं कि हैवी होगा। और सब में इस तरह से ब्लैक थ्रेड्स वगैरह हैं, तो आप इसे ना छोटा बड़ा कर सकते हैं थ्रेड से इस तरह से। और इन्हीं के इसी के साथ मिल जाते हैं आपको इसके इयररिंग्स। तो इयररिंग्स कुछ इस तरह के हैं, स्टड टाइप के, ओपन करके दिखा देती हूँ मैं आपको। तो इयररिंग्स इसके कुछ इस तरह के हैं, इयररिंग्स की वजह से ही मैंने ये पूरा सेट परचेज़ किया था, क्योंकि मुझे इयररिंग्स बहुत अच्छे लगे, क्योंकि सूट्स वगैरह पे ना बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के इयररिंग्स। तो इसमें भी नीचे पर्ल्स की डिटेलिंग हो रखी है और ये भी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है। तो ये पूरा सेट इस तरह से है, आप ट्रायल में देखिए कितने अच्छा लग रहा है, इस तरह से। और जो इसका प्राइस है ये 250 का है, ये पूरा का पूरा सेट मुझे 250 में मिल गया है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, बहुत ही रॉयल सा लुक है इसका। आप साड़ी इस पर तो बहुत ही अच्छा लगेगा, जो कॉटन वगैरह की साड़ी होती है ना उसमें बहुत ही अच्छा लगेगा इस तरह। मैंने परचेज़ किए हैं एक इयररिंग जो है, ये पर्ल के इयररिंग, ये हुप्स हैं, हुप्स परचेज़ किए हैं, कुछ इतना बड़ा साइज़ है, ओपन करके दिखा देती हूँ मैं आपको। ये हुप्स इयररिंग हैं इस तरह के, बहुत लाइट वेट है, और जो इसका अंदर का ये मेटल है ये स्टेनलेस स्टील का है, तो बिल्कुल कोई ख़राब होने का भी डर नहीं है। तो इस तरह से पर्ल्स वगैरह लगे हुए हैं इसमें, अच्छे से लगे हुए हैं। और ये जो मुझे मिले हैं ये 160 के हैं, ये थोड़े मुझे कॉस्टली लगे थे एज़ कंपेरिजन टू सारे जितने भी सेट हैं, बट मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे इसलिए मैंने इन्हें परचेज़ किया, और मेरे पास पर्ल इयरिंग है भी नहीं हूप्स तरह के, इसलिए मैंने इसे परचेज़ किया। उसके बाद मैंने परचेज़ किए हैं नोज़ पिन्स, कुछ इस तरह के पैक में आए थे ये,
और ओपन करेंगे तो आपको इस तरह की छोटी सी डिब्बी मिल जाती है, बॉक्स मिल जाता है, और इसमें आपको मिलेंगे 10 पीसेस। इस तरह के नोज पिन है इसमें, देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही सुंदर है ये। 5 इसमें गोल्डन है और 5 इसमें सिल्वर है। तो ये जो पूरा 10 का सेट पड़ा है, ये मुझे पड़ा है 200 रुपीज़ का। 200 रुपीज़ के ये नोज़ पिन मुझे मिले हैं, जिसमें मुझे 10 पीस मिल गए हैं। तो ये भी मुझे काफ़ी अफोर्डेबल लगे और बहुत ही सुंदर लगे। मैंने आपको नवरात्रि लुक में भी वेयर करके दिखाया सिल्वर वाला, और करवा चौथ लुक में भी मैंने आपको गोल्डन वाला वेयर करके दिखाया था। ये वाला मैंने वेयर किया था उसमें गोल्डन उसमें, और नवरात्रि में मैंने ये वाला वेयर किया था, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे ये। मैंने फ़र्स्ट टाइम परचेज़ किया है नोज़ पिन, क्योंकि मेरे नोज़ पियर्सिंग नहीं हो रखी है इसलिए। तो नेक्स्ट जो ज्वेलरी है वो भी एक कॉम्बो सेट में है, और वो भी एक ट्रेडिशनल झुमकाज है, कुछ इस तरह के पैक में आए थे। ये मुझे काफ़ी लेट रिसीव हुए थे, इसी की वजह से मुझे ये मीशो हॉले थोड़ा लेट करना पड़ा। और ये कुछ इस तरह के झुमकाज आए हैं, 6 का पेयर आया है, 6 के कॉम्बोज में आए हैं ये। तो 6 कलर आपको मिल जाते हैं, जो प्राइस है 284 रुपीज़ में मुझे ये 6 मिल गए हैं। और क्वालिटी देखिए इतनी औसम है, बहुत ही सुंदर है देखिए कुछ इस तरह से। और एक दो मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ, सारे नहीं ओपन कर पाऊँगी। तो ये ब्लू है, ये आपको वाइट में मिल जाते हैं इस तरह के, और आपको एक मिल जाते हैं पिंक शेड में, एक आपको मिल जाते हैं ग्रीन शेड में। ग्रीन शेड कितना सुंदर है इसका। एक है ब्लैक शेड में, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और एक है आपका लास्ट रेड शेड में। तो ये 6 पूरे आपको कलर्स मिल जाते हैं जस्ट 284 में। ये मुझे पूरे कॉम्बो में मिल गया 6 का। मैं आपको एक ओपन करके दिखा देती हूँ, वाइट वाला मैं ओपन करके दिखा देती हूँ। मैंने भी सारे ओपन करके नहीं देखे, ब्लू वाला मैंने पहन के देखा था, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और इनका जो साइज़ है ना, ना तो ये ज़्यादा बड़े हैं ना ही ज़्यादा छोटे हैं, एग्जैक्ट जिस साइज़ के मुझे चाहिए थे झुमका उसी साइज़ के हैं ये, कुछ इस तरह से। देखिए कितना सुंदर है ये, बहुत ही सुंदर। इसका स्पेशली जो ये स्टड है ना, ये वाला बहुत ही सुंदर है, इसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो अलग अलग ड्रेसेस के लिए मुझे कॉम्बो, मैंने ज़्यादा ना मीशो पे कॉम्बोज ही सर्च कर रही थी ज्वेलरी सेट में, इसलिए मैंने ज़्यादातर कॉम्बोज में मंगाया और काफ़ी अच्छी डील्स मिल गई है मुझे कॉम्बोज वगैरह। उसके बाद मैंने परचेज़ किया था बैंगल सेट परचेज़ किया था, और ये मैंने 4 कलर्स, मतलब ये भी कॉम्बो में था पूरा, 4 कलर्स का सेट था, और ईच कलर में 24 बैंगल्स हैं जो कांच की हैं, और कुछ इस तरह से हैं। ये रेड और ब्लैक, ब्लैक नहीं है ये, एक्चुअल में डार्क ब्लू है। तो 24 24 ईच के हैं ये, 24 रेड हैं, 24 ब्लू हैं। आपने ये करवा चौथ लुक में मुझे वेयर करते हुए देखा होगा, ये मैंने करवा चौथ लुक में वेयर करके दिखाई थी। और सबसे अच्छी बात है कि ये ना वेलवेट टच में है, इनके ऊपर वेलवेट्स हैं जो आजकल चल रही है ना वेलवेट वाली बैंगल्स, कुछ इस तरह से वेलवेट है। तो ये 4 कलर्स आए हैं, रेड ब्लू और ग्रीन एंड येलो आया है इसमें कलर। ये है सेकंड बॉक्स, ये है येलो एंड ग्रीन कलर का। काफ़ी ज़्यादा, मतलब इतनी सारी 96 चूड़ीज आई हैं, जिनका जस्ट प्राइस है 190 रुपीज़ का। 96 बेंगल्स आपको 190 रुपीज़ में मिल गई, बहुत ही अच्छी हैं। तो ये आपको 4 कलर्स में मिल जाती हैं 190 रुपीज़ में, और ये काफ़ी जल्दी रिसीव हो गई थी मुझे, 2 या 3 दिन में मुझे रिसीव हो गई थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। और कितने अफोर्डेबल प्राइजेस पे ज्वेलरी वगैरह है मीशो पे, ज्वेलरी क्या बाकी सब आइटम भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइजेस पे हैं। तो ये थे सारे के सारे आइटम, होप मैंने कोई छोड़ा नहीं हो। सारे के सारे आइटम जो मैंने मीशो से परचेज़ किए थे, फर्स्ट टाइम मैंने मीशो से परचेज़ किया, और मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हुआ मीशो से परचेज़ करना। काफ़ी अच्छा रहा मेरा जो शॉपिंग एक्सपीरियंस रहा है मीशो से। तो मेरी तरफ से बिग 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 थम्स अप है मीशो ज्वेलरी के लिए, आप ट्राई करके देख सकते हैं। सबसे पहले है कि आप रिव्यूज़ वगैरह देख लीजिए, उसमें नीचे जैसे ही आप कोई भी प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो नीचे आपको उसमें रिव्यूज़ वगैरह मिल जाएंगे, उसमें पिक्स भी मिल जाएंगे, उसमें आपको वीडियोज़ भी वगैरह मिल जाएंगी, जो लोग अनबॉक्सिंग वगैरह करते हैं वो वीडियो
भी डालते हैं उसमें, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि किस तरह के आपको आइटम रिसीव होगा। मैंने उसी तरह से परचेज़ किया, पहले रिव्यूज़ वगैरह पढ़े और फिर वीडियोस वगैरह देखी, तब भी मैंने फ़ाइनल किया कि मुझे ये परचेज़ करना है। और अगर आपको कोर्स चाहिए होंगे ना इनके जितने भी प्रोडक्ट मैंने परचेज़ किए हैं, तो मैं कोर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मीशो पे ना कोड्स अवेलेबल होते हैं, और आप अगर पिक लेके उस प्रोडक्ट का वहाँ पे डालेंगे ना, तो पिक से भी आपको वो प्रोडक्ट सर्च हो जाता है आराम से। वैसे मैं कोड वगैरह डाल दूंगी। तो ये था आज का वीडियो, होप आप लोग को बहुत मज़ा आया हो ये ज्वेलरी हॉल देखने में। मुझे बनाने में बहुत मज़ा आया, तो ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हॉल कैसा लगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लव यू, बाय एंड टेक केयर।